और इस लॉकडाउन के अंदर ना पता है कुछ लोगों की जो गंदी आदतें हैं वो छूट सकती हैं। और अभी बैट बॉल खेलने का मन कर रहा है, होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए भाई। जिसके हाथ से बॉल यहाँ अगर बाहर चली गई वो 20 रुपए जुर्माना देगा और खुद ही उठा के लेकर आएगा बॉल। इसके लिए माफ है, चलो भाई बॉल ले 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 ये आगे भी कम से कम आधा घंटा खेल चुके हैं और अब ब्रेक लिया थोड़े टाइम के लिए हमने। दिन देखते हैं कि क्या क्या गेम खेलेंगे, पहले कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा ना। पहले ओहो, जाने से बच गई नीचे और धूप भी सर चढ़ के बोल रही है, मजे ले रही है, वो भी पूरे गेम का आनंद ले रही है। अब ये बॉल पड़ेगी, पहली बॉल पहला आउट भाई। क्या है गया कि क्या हो गया, बॉल भी नहीं पा रहा मैं तो, इतना थक गया कि बॉल चली गई शॉफ्ट के अंदर। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये देखो यहाँ, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये बॉल यहाँ जाएगी, लेकिन अब चली गई। क्या करें, गेम ओवर, मैं जीत गया, आई एम विनर। बॉल चली गई, नहीं खेल पा रहे इस टाइम पर। जस्ट ऑल देखा कितनी अच्छी स्पीच थी ये, तो ये हुआ है हमारे साथ। और इस दौरान एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, वेलकम टू द न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। और मैं भी, आप सब लोग बोर ना हो रहे हो, मैं एंजॉय दे ही रहा हूँ आपको। हमारी वीडियो देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो। पता है मेरे को घर पे बैठ के बहुत आसान नहीं है घर पे बैठना, लेकिन इंजॉय करो, हमारी वीडियो को इंजॉय करो, कुछ करो, आप भी गेम खेलो, बनाओ अपनी तरफ से। और जितना अभी तक आप देख ही चुके हो क्या क्या हुआ है हमारे साथ, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह है ना कि धूप निकली हुई है लेकिन गर्मी फील बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मार्च के महीने में फील होती है थोड़ी बहुत गर्मी, मेरे ख्याल से फिर से बारिश का मौसम हो जाएगा। और ये अगली सुबह है, कल खेल खेल में पूरा दिन बीत गया हमारा। मे भी एक चीज़ तो ज़रूर है कि क्वारंटाइन कोई भी पसंद नहीं कर रहा होगा कि सब लोग क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं, अपने अपने घर बैठे हैं, तो भाई बहुत मुश्किल है। मुझे भी पता है बहुत मुश्किल है घर में ऐसे बैठना, और हालात जो चल रहे हैं ना, लेकिन यार जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉकडाउन है ये बढ़ सकता है। वैसे तो जो भी न्यूज़ में चल रहा है मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, अब देखो क्या होता है यार। लेकिन अपने पास टाइम ही टाइम है फ़िलहाल, तो
तो उस फ्री टाइम में आप ये सोचो कि आप क्या यूटिलाइज कर सकते हो, उस टाइम को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो आप। ये जो सड़क देख रहे हो ना, ये यहाँ पे सारे दिन गाड़ियाँ आना जाना लगा रहता था गाड़ियों का, लेकिन अब कुछ भी नहीं है फिलहाल में। अभी इंस्टाग्राम पे लाइव गया था मैं, और लाइव सेशन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सही रहा और इंजॉय बहुत अच्छा किया। और पूरा दिन यार मैं ये सोच रहा था कि क्या है, क्या करें क्या ना करें, यार बहुत बोरिंग सा दिन बीत रहा था, तो उस बोरिंग से दिन को इंटरेस्टिंग बना दिया। गुड मॉर्निंग, और इतनी सुबह उठ के ना मज़ा ही अलग आ रहा है। खुला आसमान, इतनी शांति, खूब मज़ा आ रहा है। खूब सुबह उठने का मज़ा ही अलग है। मतलब मेरे को मज़ा सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुबह सुबह भाई साहब ने हमारे उठा दिया हमें फ़ोन कर करके। मैं सोचा चलो यार उठ जाओ, क्या फ़ायदा, जब नींद खुली गई है दोबारा सोने का फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारे सूरज देवता प्रकट होने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये है मेरा कि सारी रात सोया भी नहीं हूँ मैं। मतलब मैं सोया हूँ 3:30 बजे, 3:30 बजे क्या सो गया था मैं, कुछ काम कर रहा था बैठ के, और एक नई चीज़ पता चली थी। अगर वो चीज़ सक्सेसफुल रही तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, लेकिन उससे पहले मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो दूंगा नहीं। वैसे एक चीज़ हो रहा है कि अगर जो सुबह सुबह का मज़ा है ना, पक्षियों की आवाज़ होती है और किसी की आवाज़ नहीं होती, और जो चिड़ियों की चह चह होती है भाई, अच्छा लगता है सुनकर। तो यार इतने शोर शराबे में बेचारे पक्षियों की तो आवाज़ ही नहीं आती थी, ना हम सुन पाते थे, बाकी सब अपने अपने कामों में बिजी रहते थे, तो हमने नेचर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जब ये लॉकडाउन हुआ है तो नेचर भी अच्छा खासा सुधार में है भाई। ठंड महसूस नहीं हो रही? ठंड महसूस नहीं हो रही ना? तेरे को गर्मी चढ़ गई ना अभी? हाँ तेरे को गर्मी तो, सही बात है, तेरे अंदर तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत हॉट है तू। जो भी कहो, इस लॉकडाउन में एक चीज़ तो अच्छी होगी कि जिन लोग को पतला होना है वो पतले हो सकते हैं, जिन लोग को मोटा होना है वो मोटे हो सकते हैं, और जिन लोग को कुछ भी नहीं होना वो कुछ बैठे रहो, वो कुछ ये जचा नहीं है, हुआ नहीं, मतलब मैच नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, आप संभाल लो। के अंदर यहाँ सब लोग ने कुछ सोच रखा होता है अपने अपने गोल्स के लिए, तो कुछ गोल्स इस लॉकडाउन के अंदर पूरे करके देखो, जो गोल्स हो सकते हैं। तो एक मौका है आपके पास। जितने भी लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, तो पुलिस वाले बेचारे उनके साथ अब क्या सलूक कर सकते हैं, ना डंडे मार रहे, और बस आप देखो क्या कर रहे हैं। भैया
घर पे रहे, घर पे रहे, घर पे रहे, भारत माता की जय। तो भाई तो ये करना पड़ रहा है, क्योंकि करेंगे पुलिस वाले, क्योंकि जब मानेंगे नहीं तो ठीक है ये चीज़ भी, और डंडे खाने से तो खैर बढ़िया ही है, ऐसे नहीं तो ऐसे मानोगे। और इस लॉकडाउन के अंदर ना पता है कुछ लोगों की जो गंदी आदतें हैं वो छूट सकती हैं। देखो सुबह उठने वाली आदत या ना उठने वाली आदत तो एक अलग चीज़ है, जो अल्कोहलिक हैं और जो किसी भी तरीके से एडिक्ट है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो आदतें छूट सकती है, फिनिश। और भाई जिनका टाइम पास नहीं हो रहा ना, वो लोग अपनी टिकटॉक बनाओ, टिकटॉक के अंदर बहुत फॉलोअर्स इस वक्त तो बहुत ज़्यादा, टिकटॉक बनाओ, फॉलोअर्स बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं, सबको खाली टाइम है, देख सकता है हर कोई, हर बंदा आपको। और सूरज देवता पूरे प्रकट हो चुके हैं, ऊपर तक निकल आए हैं हमारे सूरज देवता। इतना टेढ़ा हो जाएगा ना, तू बात कुछ और करेगा, कैमरा कहीं और होगा तेरा, तो करना चाहिए नहीं ऐसे लोगों को, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनका। ये पागल है, पागल। पता नहीं इसकी आवाज़ सुनाई दे भी रही होगी आपको, नहीं दे रही होगी, आई डोंट केयर। वैसे भी आई एम पॉजिटिव पर्सन, लेकिन अभी बहुत क्या है कि अभी बहुत लोग पॉजिटिव वाले लोगों से बहुत दूर भाग रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव जिनको है वो लोग से तो बहुत दूर रहने को है अभी। तो क्या है कि अपने घर में रहो, सब सेफ रहो और खुश रहो, खुशहाल रहो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। सुबह उठने की आदत अच्छी है, सुबह उठा करो। क्या क्या ज्ञान बांटूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आता, जबकि मैं कभी कभार खुद बेईमानी कर जाता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये तीन चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ये रिक्वायरमेंट है भाई। और कोरोना वायरस चल रहा है, पहली बता रहा हूँ, बहुत डर है, ये रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी ना तो समझ जाओ, मजाक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है करनी, कहीं गुस्सा मत कर देना, लेकिन ये रिक्वायरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सबको पता है, सारी ऑडियंस को पता है, सब मजाक होता है। तो भाई ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर, इन लाइक सब्सक्राइब कर दो। और सिनेमेटिक शॉट्स अच्छे अच्छे दिखाए हैं मैंने घर पे रह के, तो यार यही दिखा सकता हूँ मैं आपको। लाइक सब्सक्राइब शेयर बार बार बोल रहा हूँ, कर देना प्लीज़। और इसी के साथ टाटा, बाय बाय। और